अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी ये होने वाला है, पहले ये बताओ टाइम कितना हो रहा है? टाइम कुछ हो रहा है, 2 बज रहे हैं और ये बकरी का व्लॉग होने वाला है। हाँ, तो हम लोग पैकिंग कर रहे हैं और जा रहे हैं बाहर गाँव। गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं हमारे पुराने वाले घर पर। कुछ कितना टाइम बाद दीदी? 4 साल बाद। अम्मी कुछ बोलो ना। हम अभी कपड़े निकाल रहे हैं, हम लोग 4 साल बाद जा रहे हैं हमारे घर पे। वहाँ पर तो कुर्बानी करेंगे, उसके बाद एक यहाँ पर करेंगे और एक गरीबनाथ के नाम पे बोला न्यास करेंगे। अहमदाबाद करते हैं, अम्मी वो करेंगे। हाँ, और मेरी आवाज़ कम आ रही है क्योंकि मेरे को सर्दी हो गई है। भाई, जिसके पहले कुछ व्लॉग आने वाले हैं वो है दीदी के गिफ्ट्स के व्लॉग। हाँ, जो मंगनी में इनको मिले थे। अरे यार पागल। अब मैं अभी कुछ बोल दो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे बोरवी लेने घर पे, क्योंकि 2 कुर्बानी, मैं 3 दिन कुर्बानी करती हूँ। तो पहले कल उधर करूंगी, 2 बकरे उधर काटूंगी, फिर 2 बकरे मीरा रोड में काटूंगी, फिर उसके बाद वापस मीरा रोड में काटूंगी, क्योंकि 2 बोरवली के घर पे काटती हूँ, और फिर बाद में 4 बकरे इधर काटती हूँ, है ना। जो तीसरे दिन करती कुर्बानी मेरे गरीब नवाज के नाम पे करती हूँ, तो खाना बना के वो सबको खिलाती हूँ मैं, है ना। तो ऐसी दुआ करते रहना हमारे लिए। ये टाइम 5 आया है, पहले 4 आते, मतलब पहले 1 आते हैं फिर 2 आते हैं ना, मम्मी ऐसे बढ़ते रहते हैं इंशाल्लाह, 1-1 माशाल्लाह। और बस नक्सल लोग पंचायत मारते बैठे, अभी जा रहे हैं और अभी इतना बज रहा है, अभी हम निकल रहे हैं और रात के बज रहे हैं 2:30 हो रहा है। अभी बोरीवली वाले घर पर जाएंगे क्योंकि वहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं कुर्बानी करेंगे 2। और हमारे वहाँ चोरी बहुत होती है, इसके लिए ये लगा के रखे, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। हल्की हल्की बारिश हो रही है और अब हम जाएंगे कार में। आपको पीछे से बताते हैं, अफो भाई कार लेके खड़ा है, अफो भाई यहाँ पर कार में बैठा है। और गाइस, तुम लोगों को पता है सवेरे पता ये पूरा भर गया था, ये देखो कितनी गंदगी है यार। और अभी हम निकल रहे हैं, इतने लोग, अम्मी आगे बैठे, आपको बैठ ड्राइविंग करेगा, इधर सलमान बैठा है, इधर मैं बैठी हूँ। फाइनली अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे बोरेले घर पे, कल कुर्बानी उधर होने वाली है पहले, और मेरा उधर भी घर है, उधर भी काफ़ी लोग को बांटती हूँ, तो इसलिए पहले उधर कुर्बानी कर रही हूँ, फिर दूसरे दिन मीरा रोड में करूँगी, ठीक है। और दुआ करना कैसी, हर साल आपको कुर्बानी करे और मैं नहीं रहूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे करें, ऐसी दुआ करते रहना। ये सिलसिला हमारा चलते रहे, है ना, हमारे उर्दू के नाम पे, मतलब सिलसिला चलते ही रहे कि एक बकरा तो कोई ना कोई काटे, ठीक है। गाइस, हम आ गए हैं हमारी डी टाउन में, दिस इज वो देखो बुर्ज खलीफा, डी टाउन दौलत नगर वाला डी टाउन। हाँ, डी टाउन है वो बुर्ज खलीफा, यहाँ पर सब शेख लोग रहते हैं। और ये हमारा झोपड़पट्टी वाला वाला गाइस, झोपड़पट्टी है बट बहुत अच्छी है, डी टाउन की शेख आई नहीं सैलॉट। पालोवा है, अभी पालोवा बन गए ना गाइस। ये हमारी गली है गाइस, जिसको भी मिलना कुछ यहाँ पर आके, नहीं यहाँ पर नहीं यार, खाला का डी टाउन, खाला का डी टाउन, खाला के घर भी हम लोग घर भी जाएंगे खाला के, क्योंकि खाला ने आज मेरी वो फातिया दी थी गाइस। अभी चलो देखते हैं गाइस, हम लोग का पहले वाला घर भी आप लोगों को बताएंगे हम लोग। गाइस, ये एक है हमारा घर, बताए थे बता हम बताए थे ना। इंशाल्लाह हम लोग हमारे घर में एंटर हो चुके हैं। अरे इधर की लाइट बड़ाई बदली करे तो माशाल्लाह कितना उजाला आ रहा है। गाइस, ये जहाँ पहले रहते थे ना वो लोग ने थोड़ा खराब कर दिए, वरना मेरे घर में रौनक देखा माशाल्लाह, ये घर में मेरे रौनक की रौनक है। अरे बहुत मेरा झूला सोफा बहुत पुराना है, अभी इसको फिलहाल ऐसे रखे रहे, ऊपर खाली हुए बस मेरा तुम अभी बन गया। गाइस, ये मेरा बेडरूम था और ये मेरा हम लोग का कोट माला किचन। अभी सब जागे थे, हाँ सोफा देने पागल ये मोटी भी अभी तो भी पागल
अबे क्रीम लगाइयो मत, क्रीम लगाइयो मत गाइस, मेरे मुंह पे क्रीम है। हां है। ए बलू लाइट बंद कर ना। अरे मैंने तो नहीं चालू की। ए बलू ले ना रे। अल्लाह इन लोग ने सीलिंग भी तोड़ दी है। अरे यार लाइट बंद करो यार। अल्लाह लो। ला। ए खाना का किचन। कुत्ते का मटन। भूखाया मेरा। हां जी देखो इस इसको। अरे तू बंद कर ना लाइट यार। तू पहले तेरा चेहरा दिखा तो ये बता। लेकिन नीचे कैसे सोई, क्या हुआ, चमत्कार हो गया ये तरह से। अरे ये हम लोग का छोटा सा बाथरूम। इसमें सिर्फ सोफे का है। खातून का घर है और बताओ ना तुम्हारा घर टूर का। खाला का छोटा बंगला बट माशाल्लाह बहुत है ना खाला। और यहाँ पर ये मड्डा बिंदी लगा रही है सबको। ये मड्डा यहाँ पर देखना गाइस, मड्डा का बेडरूम है। अभी इसमें कितनी रौनक आ गई है ना पहले जैसी, तो माशाल्लाह बच्चों की देखो खुश होकर डायरेक्ट ऊपर भाग गया। और अभी आप इसकी चालू है सुबह की तैयारी और सब वो सामने वाला घर का काम कर करके थक गई है तो भी पूरा नहीं हो रहा है ये माशाल्लाह घर में फिर पहले जैसी रौनक आ गई। नगर में पानी भर रहे बहुत टाइम बाद नल से। और हम लोग देखो पानी यादें ताजा हो रही है। अभी पहले जो इधर रहते थे तो अंदर पानी भरने की जरूरत नहीं है, मोटर चालू कर दो ऊपर नीचे पूरा पानी भरता है। लेकिन आज बकरी ईद है तो बाहर का पानी तो चाहिए ना, क्योंकि बाहर का वट्टा वट्टा सब धोने के लिए। ये बच्चे लोग पानी भर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है बादल। अच्छा और का अंदर गुरु चेहरे दो दो यार। ये कौन है, तू कौन है? कौन है वैसे? को सना गुरु है और सोफी चेला है। और गाइस जब रमजान लगा था हम लोग दूसरे के आगे पानी लाके जाने के लिए निकले थे। और वो दर्जन आनी रहते थे ना, उनके वहाँ से पराठा मंगा के खाते थे। सबका रोजा रहता था और हम लोग खाते तो भी पानी वानी भरते थे। हम लोग बता के आगे क्या करें। खा रहे हैं पराठा, सुबह सुबह नाश्ता कर रहे हैं पराठा में मस्त तीखी तीखी चटनी उसके साथ में। और ये हमारे दहसर पेट्रोल पंप के सामने मिलता है, एक नंबर। यहाँ पर सब सो रहे हैं। पराठा खा जाओ खाने के। पराठा और मस्त तीखी तीखी चटनी और साथ में दही। अभी हम जा रहे हैं हमारे बकरे लोग को लेने, क्योंकि हम लोग उसको नहलाएंगे, नहाओ नहाओ कराएंगे उसको। और फिर हम लोग रंगी अतरंगी गली है गाइस। हमारी गली देखो कितनी छोटी है। और अभी हम जा रहे हैं बकरे लेने। श्वेत तेरा घर का बताइए लोग को। श्वेत का घर देखो वो है, ये श्वेत का घर है। और गाइस अभी हम बकरे लेने जा रहे हैं, ये हमारी पीछे की दुकान। अभी हम लोग जा रहे हैं बकरा लाने नीलाने। सोफी नीलाएगी। हाँ तो नीलाओगी ना। तो गाइस हम हमारे बकरे लोग को लेने जा रहे हैं। बार गली गली जाना पड़ेगा। गली कौन सी मैं कहता मार। ये सोफिया लोग का बकरा है। एक दो तीन और दो चार और पाँच। नानी का बकरा है। गाइस वो एक दो तीन चार पाँच और ये डंडे का बकरा है। हाँ मारा मारी में सिंग टूट गई गाइस इसकी। इसकी सिंग तोड़ दिया है इसने। मतलब कुर्बानी हो सकती, खाली ऊपर की खोपड़ी निकाल चुका है इसको। बेचारे की अब थोड़ी तबीयत खराब है। मस्तान पतला नहीं हो गया वो? इसको अभी हम लोग मिलाएंगे। नहीं नहीं इसको ही ले, इसको ही ले, वो आएगा तो फिर धतिंग करेगा। गाइस देखो कितना माशाल्लाह माशाल्लाह बकरे यार।
सब अच्छे अच्छे बकरे माशा। हाँ तो है ना भाई, है हम है। किसका बकरा है वैसे? ना दीदी भी आ गए हैं। दीदी और आज सब काम धंधे पे लगेगा ही। और ये नलका खुलते जा रहा, खुलते जा रहा, खुलते जा रहा। अभी हम लोग जा रहे हैं शैम्पू लेने और दूध लेने और बादाम लेने और बादाम लेने और फिर आगे मिलते और फिर आगे मिलते और देख सकते हो सुना सुना है अब जो एक एक करके बकरे लोगों को हिलाया जा रहा है। इधर सब लोग मिला रहे बकरे लोग को और बकरे आ रहे हैं। हमारे बकरे लोग को हिला रहे हैं। अरे मुर्गी पे तो लगाना पड़ेगा ना। बकरा हिलाते हुए ये आगे का पेड़ तो घसो खाली ऊपर ही घस रहे थे कब से। गाइस अब मैं सेवई तोड़ने जा रही हूँ। मम्मी लोग अभी खीर बना रहे हैं तो मैं आप लोग को बता दी कि मम्मी खीर बना रहे हैं, वो भी मैं आप लोग को बताती हूँ। मम्मी यहाँ पर खीर बनाने की तैयारी चालू है। मैं ड्राई फ्रूट फ्राई कर रही हूँ और बाजू वाले घर में दूध गर्म हो रहा है। पता है दूध का? हाँ दूध का बताने का मतलब दूध का भी नहीं। ड्राई फ्रूट अभी जो क्रूम क्रूम मस्त खाने में एकदम क्रंची क्रंची लगता है ना, तो पहले मैं ये असली घी में फ्राई कर रही हूँ। और बाहर मैं सेवई तोड़ी जैसे आप लोगों को मैंने बताई और सामने वाले घर पे दूध गर्म हो रहा है वहाँ पर मैं एकदम एकदम हिला रहे इसलिए नहीं जा रही हूँ और मैं इधर सेवई तोड़ रही हूँ। तीसरा बकरा है ना सानिया, ये तीसरा वो चौथा। हाँ उधर भी है और इधर भी है, लोग हिला रहे। टोटल कितने बकरे कटेंगे वैसे? छह बकरे और दो नानी के बच्चे। एक साथ छह बकरे कटेंगे आज। ये हमारी टेरिस है जो कि यहाँ पर ताल पत्री डालती है और यहाँ से सब रोड वगैरह दिखता है और सब वो खाना यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं। और यहाँ पर पूरी पत्री हमारा दिखता है। अभी थोड़ा मैं सोच रहा था उसके पास देखते हैं कि अभी नींद आ रही है और यहाँ पर सब सो गए। हमारी सुबह हो चुकी है और हम लोग बकरा जो काटे थे वो बांटने निकले हैं सामने सब लोग। पत्रिका हमारे रिश्तेदार वाले दीदी हम लोग आए। तो इसको लाइक चाहिए, इसको कमेंट चाहिए, पकड़ के लाइक चाहिए। अरे रिश्तेदार को हम लोग देने आए आगे आगे। और अल्ली देखो जैसे चल रहा, अल्ली कुछ तो बोल बे। लोग को लाइक से मतलब है कमेंट नहीं पड़ेगा इन लोग। हाँ भाई हमारे सब्सक्राइबर को पता है हम लोग क्या है क्या नहीं। बहुत थक गए हैं रात से हम लोग, सिर्फ एक घंटा ही सोए तो उसके बाद उतने गोश्त बांटने निकले। अभी जाएंगे घर की खीर टेस्ट करेंगे उसके बाद बताएंगे। और अभी हम लोग नानी लोग से भी मिलने नहीं गए, गोश्त बांटने में हम लोग सब लोग नहीं मिले। मैं घर पे आ चुकी हूँ मटन काट के और दीदी लोग अभी बैंड्रा जा रहे हैं बांटने के लिए। यहाँ पर अभी इतना बच्चा है गोश्त बांटने के लिए तो अभी देखते क्या होता है। अभी मम्मी को खाना बिखरा भी खाना है। सो मैं और मामा निकल चुके हैं बैंड्रा के लिए और हम लोग जा रहे हैं दोनों अकेले बाइक पे क्योंकि कार नहीं लेके जा। लोग थक थका के आए हैं उल्लू के घर पे और उल्लू ने मेरे को ना एंगेजमेंट का गिफ्ट दिए तो वो मैं बाद में बताती हूँ। और हम लोग बहुत सारी जगह गए थे, मैं व्लॉग नहीं ले पाई थी। सोफिया कंटिन्यू कर रही है वहाँ पे व्लॉग। देखो गाइस ड्रेस पे मैंने बूट पहना है और ये है उल्लू का गिफ्ट। मेरे को इतने सारे ना वेस्टर्न कपड़े भी आए उसके अंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरी दोस्त को जो अदिति है उसको गोश्त देने के लिए। उसके बाद फिर उसके बाद मैगी जाएंगे क्योंकि मैम नहीं खाती बकरे का
तो उसके बाद हम लोग मैं और सना से सोलो पार्टी करेंगे मैगी में। अभी जाएंगे आप लोग से अपडेट देते रहेंगे, दीदी बैंड्रा गई है तो आप लोग को वहाँ देखने मिल जाएगा। इसे टाइम पे बारिश होना बोले ना तो बहुत ना इरिटेट होता है ना, इतने अच्छे पंचल में इतनी जोरदार बारिश होती, आप लोग को आवाज़ नहीं आती होगी मेरी की भी बहुत ज़्यादा और सना यहाँ पर बैठी है हम लोग इधर मैगी में और सूप की दे रही है अभी ऑर्डर, हम लोग ने दे दिया ऑर्डर, अभी हम लोग मिल का वेट कर रहे हैं, अब हम लोग थोड़ा ही खाया है हम लोग घर में और यहाँ पर पार्सल लिए क्योंकि हमने वहाँ पर थोड़ा ही खाया है, मतलब खाने का मन नहीं कर रहा था तो मम्मी को भी लेना था तो हमने मम्मी को भी दिया और मम्मी के साथ और खा लेंगे। आए थे रिक्शे में और हमारे सरजील भाई जन हमें छोड़ना दो मेरे तुम्हारी दीदी गाइस कैसे ईद मांग रही, देखो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं मिला था ना चोरी कर रही है सब भीग गए गाइस। अभी आया मेरा दामाद मेरे से मिले, दोपहर को भी आया था लेकिन हम लोग सोए थे, बेचारा गया रिटर्न वापस आया रात को, सासू वालों से सबसे मेरा पहलवान हाँ मैंने तो बहे रुक रहे मैंने पप्पी नहीं देखे मोबाइल में नहीं आया कालू से कुटे बेचारा आज कालू लोग क्या कर रहे हैं दीदी भी नहीं लेने वाले दाव रहते हैं मेरा मत चूम रहे तू, हाथ मेरे मत चूमा करता तो वहाँ से भी आ चुके हैं तो हम लोग यही ब्लॉग एंड कर रहे हैं, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।